हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड वो सारे अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं। और ये मैंने एक स्वच्छ भारत का पिक्स लगाया हुआ है, इसको लगाने का मकसद सिर्फ एक ही है मेरा, इसको प्रमोट करना। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी इस चीज़ को प्रमोट कीजिए और अपने भारत को स्वच्छ एंड साफ बनाइए। चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है, आंसर इसका है फर्स्ट चार्ल्स बैबेज। तो चार्ल्स बैबेज ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया है विंडसर, ये इंटरनेट के जनक कहे जाते हैं, याद रखना है। और तीसरा ऑप्शन जो दिया है मैंने विजय भाटकर, ये अपने इंडिया के कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ इंडियन कंप्यूटर किसको बोलते हैं, तो वो विजय भाटकर है। और इंटरनेट के फादर किसको बोलते हैं, विंडसर को। तो इसका आंसर है ए, चार्ल्स बैबेज। चलिए मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। Which one is not the सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर इंडिया का नहीं है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है क्रे XC40, दूसरा है बिरगो, तीसरा है इका और चौथा है सागा। तो इसमें मैंने एक ऑप्शन मुझे और लिखना चाहिए था ई, क्योंकि ये सारे जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे सुपर कंप्यूटर हैं इंडिया के। और सबसे जो पहला सुपर कंप्यूटर है परम है, आप लोगों ने सुना होगा, जो पुणे के सीटेक द्वारा बनाया गया था। तो ये चारों ही सुपर कंप्यूटर हैं, परम भी इसमें ऐड कर लो, और एक और याद आ गया मुझे, आदित्य भी सुपर कंप्यूटर है। तो इसका आंसर है सारे ही होंगे, जो ई लिखना मैं भूल गया, लेकिन ये चारों ही ऑप्शन सत्य हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो सुपर कंप्यूटर भारत का ना हो, इस चारों ही सुपर कंप्यूटर हैं भारत के। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच शोज द नेम ऑफ फाइल, तो फाइल का नाम कौन शो करता है? तो देखो, फाइल जैसे जब भी हम कंप्यूटर में सेव करते हैं तो एक नाम दे देते हैं, तो वो जो नाम देते हैं उसे टाइटल बार बोलते हैं। तो इसका आंसर भी यही है, टाइटल बार, याद रखना है। और यहाँ पे मैंने एक पिक्स डाला हुआ है, देखिए आप कि ये जो दिख रहा है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्म, इनको बोलते हैं मीनू बार, याद रखना है। ये सारे मीनू बार कहे जाते हैं। और पर्टिकुलर एक जैसे फाइल को बोलेंगे तो उसको बोलेंगे मीनू नेम, इसका नाम क्या है, मीनू नेम। और जैसे ही फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये सब आप उनको ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिख के रखा है सिलेक्टेड मीनू आइटम है, ये सेपरेटर है, और इसको भी मीनू आइटम बोलते हैं। तो ये आप इस डायग्राम से ध्यान से देख सकते हैं किसको क्या बोलते हैं। सबसे ध्यान देने वाली बात इतना है कि ये सारे जो दिख रहे हैं एडिट, व्यू, इंसर्ट, यहाँ पे इसको सारे को बोलते हैं मीनू बार, और मीनू नेम पर्टिकुलर एक को बोलते हैं। जैसे फाइल यहाँ पे मीनू नेम है। तो जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विच शोज द नेम ऑफ फाइल, फाइल का नाम कौन शो करता है, तो उसका आंसर है टाइटल बार, ये चीज़ आप उनको याद रखनी है। और जो सी ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार, ये आगे क्वेश्चन मैंने इसका लिया हुआ है तब मैं बताता हूँ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये क्वेश्चन लिया हुआ है ओपन प्रिंट एंड सेव डिस्प्ले ऑन, तो ओपन प्रिंट और सेव कहाँ पे डिस्प्ले होते हैं? तो इसका सीधा आंसर है बी, स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ पर देखो मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है कि इस मीनू बार देखो दिखाया गया है, फाइल, एडिट, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, और स्टैंडर्ड टूल बार ये दिखाया गया है जिसमें ओपन प्रिंट वगैरह सब कुछ है। तो ये स्टैंडर्ड टूल बार कर रहता है। और यहाँ पर ही होता है फॉर्मेटिंग टूल बार, जिससे अपन फॉर्मेट कर सकते हैं उसको, किस साइज क्या रखना है अपन को उसका, और लेफ्ट में रखना है कि राइट में रखना है, ये लेफ्ट राइट का है। और यहाँ पर ये देखो साइज दिया हुआ है, तो और किस में रखना है, रोमन रखना है उसको, इटालियन रखना है, तो ये सब आता है फॉर्मेटिंग टूल बार में। ये चीज़ याद रखनी है अपन सबको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन मेड ऑफ, मेड ऑन, तो जो प्रेजेंटेशन अपन बनाते हैं इन जनरल, तो वो किस फॉर्मेट में बनाते हैं या क्या यूज़ करके बनाते हैं? बहुत सारे अपने पास सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे MS Word है, MS Excel है, MS पावर पॉइंट है, और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो जो अपन मेनली प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो MS पावर पॉइंट का यूज़ करते हुए बनाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्लाइड्स रहती हैं, तो उन स्लाइड्स में अपन ये सब प्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसका आंसर है सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ WWW, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो बी आंसर है वर्ल्ड वाइड वेव। और यहाँ पे मैंने नोट डाला है कि जो वर्ल्ड वाइड वेव है ये टिम वंडर ली द्वारा फाउंड किया गया था,
तो ये भी आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आए हैं एग्जाम में कि वर्ल्ड वाइड वेब को किसने फाउंड किया था, टिम्बरला ली ने। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। URL इज, तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो इसका आंसर है ए। और ये होता क्या है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जहाँ पे मैंने एक नोट डाला है कि यहाँ पे एक साइट का नाम लिखा हुआ है फुल https://, और ये पूरा साइट का नाम, तो इसको पूरी साइट का नाम को बोलते हैं अपन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब कि इसको कौन सा क्या चीज़ अपन को चाहिए, क्या अपन डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे सपोज कोई साइट खोलते हैं अपन www.gmail.com, तो अपन को जीमेल का पेज चाहिए रहता है, तो उसे क्या बोलेंगे, URL बोलेंगे पूरा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। KVM स्टैंड फॉर, तो KVM का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका जो फुल फॉर्म है बी आंसर है, कीबोर्ड वीडियो माउस, ये अपन को याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि Ctrl+A यदि अपन प्रेस करें या दबाएं कीबोर्ड पे, तो उससे क्या होगा। पहला है टू सेव, सेव होगा क्या। दूसरा है टू सिलेक्ट होल एरिया, ये होगा क्या, या C2 bold होगा क्या, या D none है। तो जो इसका आंसर है वो इसका आंसर है B, टू सिलेक्ट होल एरिया। इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, कोई भी एक्सेल या वर्डपैड खोलिए और उस पर कंट्रोल ए दबाइए, तो ये पूरा आपने जो भी लिखा है पूरा सिलेक्ट हो जाएगा उस पर, तो इसका आंसर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, कंट्रोल एस दबाने से क्या होता है, तो वो सेव होता है, याद रखना है। ठीक है, और यदि अपन कंट्रोल आई दबाएं, तो जो यदि वर्ड को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद कंट्रोल आई दबाएं, तो उसका इटालियन में आ जाएगा, ये याद रखना है। और यदि अपन किसी वर्ड को सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल बी दबा दें, तो वो बोल्ड हो जाएगा, ये भी याद रखना है आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच डिवाइस कनेक्ट लैन टू इंटरनेट, देखिए लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो कौन सी ऐसी डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करती है, तो इसका आंसर है सी, रूटर। रूटर का यूज़ करते हैं अपन लैन को कनेक्ट करने में। और ब्रिज का यूज़ कहाँ करते हैं, तो ब्रिज देखो ब्रिज इन जनरल यदि अपन देखें, ब्रिज किसे बोलते हैं, जब एक रूट से दूसरे रूट को कनेक्ट करते हैं, तो इसी प्रकार एक लैन को दूसरे लैन से कनेक्ट करते हैं, या एक लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, तो अपन उसमें ब्रिज का यूज़ करते हैं। इसमें जो ए ऑप्शन है HTML, तो HTML कोई भी इस टाइप का चीज़ नहीं है, ये तो एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका यूज़ करते हुए हम अपने वेब पेज को कुछ चेंज करना है, व्यू करना है, लिंक डालना है, तो उसमें HTML का यूज़ करते हैं। वेब पेज मतलब अपना खुद का, जैसे वेब पेज बनाया अपन ने और उसमें कुछ लिंक्स वगैरह डालने हैं, तो उसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करके उसमें डाल सकते हैं। एक तरीके से अपने वेब पेज को अच्छा सा लुक देने के लिए कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ये सब डालना हो, तो HTML का यूज़ करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टॉप लेवल डोमेन एक्सेप्ट, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें सारे टॉप लेवल के डोमेन है, लेकिन एक को छोड़ के, तो एक इसमें नहीं है चारों में टॉप लेवल का डोमेन। तो टॉप लेवल का डोमेन क्या होता है, टॉप लेवल के डोमेन का यहाँ तात्पर्य है कि ये पूछना चाह रहा है कि इंटरनेशनल लेवल का डोमेन होता है, जैसे ORG है, .com है, .com देखो अपन हर जगह यूज़ करते हैं, तो ये इंटरनेशनल लेवल का है, हर एक कंट्री यूज़ करती है इसको। अब तीसरा जो सी ऑप्शन है .co.in, तो ये केवल इंडिया में यूज़ किया जाता है, इन लगाया मतलब इंडिया में यूज़ किया जाता है और कहीं यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसका जो ये टॉप लेवल का डोमेन नहीं है, तो ये इंडिया लेवल का है, नेशनल लेवल का है, तो इसका आंसर सी ही होगा। और एक यहाँ पर नोट डाला है मैंने .ae, तो ये यूनाइटेड अरब इमीरेट्स का डोमेन नेम है, ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है परीक्षा में। और जैसे चाइना का CN होता है, ऑस्ट्रेलिया का AU है शायद, तो ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है, और US यूनाइटेड स्टेट का .us है। चलिए मूव कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट कंप्यूटर पर प्रोग्राम यूजिंग, ये बोल रहा है कि जब फर्स्ट कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया था, फर्स्ट कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया गया था, उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी, तो जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। तो सबसे पहली लैंग्वेज ही वैसे मशीन लैंग्वेज ही है, उसके बाद फिर असेंबली लैंग्वेज और अदर लैंग्वेजेस आई, तो फर्स्ट कंप्यूटर पर प्रोग्राम यूजिंग द मशीन लैंग्वेज, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरर इन ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर रेफर्ड टू एस, तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यदि कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया है, यदि उसमें एरर आता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, बग बोलते हैं, कंप्यूटर फॉल्ट बोलते हैं, नन ऑफ दिस, तो उसे बोलते हैं अपन बग, ये याद रखना है।
कि जब भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो उसे बग बोलते हैं। वायरस क्या होता है? वायरस एक्चुअली में प्रोग्राम ही होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही बोलते हैं। लेकिन ये वायरस आता कहाँ से? ये एक कई सारी कंपनियां वायरसेस बनाती हैं और ये आता है एक्चुअली में इंटरनेट से, या अपन फ्लॉपी डिस्क यूज़ करें या कई सारे इंटरनेट साइट्स यूज़ करते हैं तो वो भी वायरस आ जाता है वहाँ से। यदि कोई ऐसी फाइल वो लोग सेंड करते हैं और उसको यदि अपन ने ओपन कर दिया अपने कंप्यूटर पे, तो वहाँ पे वायरस आ जाता है। वो एक्चुअली में जो फाइल होती है वो प्रोग्राम होता है वायरस के रूप में। तो कई सारे वायरस ऐसे हैं अभी इंटरनेट की दुनिया में जो अपने कंप्यूटर पूरा हार्म कर देते हैं, फाइल को करप्ट कर देंगे। यदि वायरस आपके कंप्यूटर में आ गया तो वो आपके डेटा को इस तरह बर्बाद कर देंगे कि यदि आप कोई फाइल खोलना चाहेंगे तो नहीं खुलेगी, आपको सेव किया हुआ होगा तो वो सारा करप्ट हो जाएगा। तो ये वायरस कहलाते हैं। तो इसी के लिए मार्केट में एंटीवायरस आते हैं जिन्हें अपन अपने कंप्यूटर में डाल लेते हैं तो जो वायरस होते हैं वो अटैक नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वायरस नोट में लिखे हुए हैं, ये सारे ये फेमस वायरस हैं, इनको आप याद कर लीजिए। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि ये क्या है, तो ये वायरसेस के नाम है, जैसे कोड रेड सबसे इम्पोर्टेंट है और आई लव यू। अभी जो चल रहा है आई लव यू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वायरस है और काफ़ी कंप्यूटर को ये बर्बाद कर चुका है इंटरनेट की दुनिया में। तो ये सारे वायरसेस हैं, ये साथ ही आपको याद रखना है, कोड रेड, मेलिसा, सेजर, जीव्स, कॉन्फिकर, क्रिप्टो लॉकर इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है मैं बताता जाता हूँ, एक कोड रेड है, एक मेलिसा है, एक आई लव यू है, एक क्रिप्टो लॉकर, ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट वायरस है और इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेजी व्हील एंड बैंड आर टाइप ऑफ, तो डेजी व्हील एंड बैंड किसका टाइप है? माउस का टाइप है, कीबोर्ड का है, प्रिंटर का है? तो ये प्रिंटर का टाइप है, ये चीज़ अपन को याद रखनी है। डेजी व्हील एंड बैंड किसका टाइप है? प्रिंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू अपन देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो आंसर अपन को बताना है। तो इसमें आंसर जो है ए है, कंट्रोल F2 यदि आप दबाओगे तो प्रिंट प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। आप डायरेक्टली इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट खोल के कंट्रोल F2 दबाइए, कंट्रोल प्लस F2 दबाइए तो आपको पता चल जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉट डॉक्स इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर, तो ये फाइल एक्सटेंशन के रूप में क्वेश्चन है कि जो डॉट डॉक्स है वो किसका फाइल एक्सटेंशन है? तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है ये और इसका आंसर है CMS वर्ल्ड का है। तो एक्सेल का क्या होता है? तो एक्सेल का भी होता है XLS, ये याद रखना है। एक्सेल का क्या होता है? XLS। और यही पूछता है कि बैकअप फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं, तो PKF याद रखना है आपको, PKF। और इमेज फाइल के लिए JPG होता है, सबको पता है, और वीडियो ऑडियो के लिए होता है MPG, ये भी सबको पता है। तो इस तरह ये फाइल एक्सटेंशन के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं और यही इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही पूछेगा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं ये अपन को पता होना चाहिए। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल नहीं है, गूगल क्या है? एक इंटरनेट की साइड है। और ये सर्च इंजन है, गूगल क्या है? सर्च इंजन है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडोज 2000 ये है, यूनिक्स है, लिनक्स है, तो ये चारों ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल नहीं है, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। तो इसका आंसर है बी, गूगल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉस फाइल नेम आर रिस्ट्रिक्टेड टू, तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जब भी अपन डॉस की कोई फाइल है उसका नाम रखें, कुछ भी नाम रखें हैं, तो वो कितने उसकी लिमिट है? तो उसकी जो लिमिट है वो 6 करेक्टर है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी आंसर है कि 6 करेक्टर से ज़्यादा हम उस फाइल का नाम नहीं दे सकते हैं, किसमें? डॉस में। और हाँ, विंडो में जो लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 260 के अराउंड है, 260, ये याद रखना है। विंडो में जो करेक्टर लिमिट है वो कितनी है? 260। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका जो फुल फॉर्म है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, यह रखना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करके
हम फाइंड एंड रिप्लेस जो पॉपअप आता है या डायलॉग बॉक्स होता है उससे कर सकते हैं, फाइंड और रिप्लेस साथ में एक साथ कर सकते हैं। तो कंट्रोल, पहला आंसर है कंट्रोल एच, कंट्रोल प्लस एच या कंट्रोल प्लस एफ। देखिए कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड कर सकते हैं लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकते, तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, कंट्रोल प्लस एच। जब कंट्रोल प्लस एच दबाओगे तो उसमें आपको फाइंड और रिप्लेस दोनों ही दिखेगा, आप कर सकते हैं अभी प्रैक्टिकली। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू आर एल, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, द एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट। यू आर एल क्या करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करता है। जो भी हम साइट डालेंगे, जो भी हमें चाहिए होगा वह उसकी साइट डाल देंगे तो वो इजीली अपन को डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, तो इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज बोथ एन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, तो ये पूछना चाहता है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की दोनों की तरह कौन कार्य करता है, कीबोर्ड करता है, माउस करता है या मॉडेम करता है। तो इस दोनों की तरह जो कार्य करता है मॉडेम करता है, तुम्हें पता भी होगा मॉडेम मॉड्यूलेट भी करता है, डीमॉड्यूलेट भी करता है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट, देखिए डेट एंड टाइम डेस्कटॉप पे कहाँ दिखता है, आपने देखा होगा कि राइट साइड के एकदम नीचे दिखता है, तो जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, F5 की को यदि अपन प्रेस करें तो क्या होगा, तो जो इसका आंसर होगा रिफ्रेश एंड एक्टिव विंडो, बी आंसर है इसका। जो पहला दिया है रीनेम एंड सिलेक्टेड फाइल, तो रीनेम करने के लिए अपन F2 दबाते हैं, F2 दबाओगे तो उसको अपन रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल भी का यूज़ करते हैं, ये भी याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मीनू। देखिए स्टार्ट मीनू मतलब होता है कि जो अपने लेफ्ट साइड में स्टार्ट मीनू जिसमें सब कुछ दिखता है, प्रोग्राम वगैरह और कौन से ड्राइव है, डाउनलोड डॉक्यूमेंट, ये सब दिखता है, तो वो कौन सा अपन की प्रेस करें जिससे एकदम दिख जाए, तो उसका शॉर्टकट क्या है, तो उसका आंसर है ए कंट्रोल एस्केप। तुम कंट्रोल एस्केप को जैसे ही दबाओगे तो वो स्टार्ट मीनू खुल जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक जो ये यहाँ पिक्स डाला है ये विंडो 10 का है, जैसे मैंने कंट्रोल एस्केप दबाया तो ये विंडो ओपन हो गया, तो आप लोग भी इसका प्रैक्टिकली कर सकते हो अभी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेट स्पीड इज मेजर्ड इन, तो इंटरनेट की स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, तो इसका आंसर है ए किलो बिट पर सेकेंड में करते हैं, ध्यान रखना है। और गीगा जो हर्ट्ज जो सेकेंड ऑप्शन दिया है इस ये जो स्पीड है वो कंप्यूटर की स्पीड है। यदि अपना जो सिंपल सा कंप्यूटर है जो हम यूज़ करते हैं अपने घर में डेस्कटॉप या लैपटॉप कुछ भी, तो उसमें जो स्पीड अपन मेज़र करते हैं वो गीगा हर्ट्ज में करते हैं, याद रखना है। और इंटरनेट की बात करोगे तो वो किलोबिट पर सेकेंड में, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा और कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सा आंसर है इसका किलोबिट पर सेकेंड इंटरनेट स्पीड के लिए यूज़ करते हैं, और गीगा हर्ट्ज में करते हैं अपन अपने डेस्कटॉप की स्पीड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पॉसिबल वेराइटी ऑफ रोम इज, तो रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, यहाँ रैम से कन्फ्यूज मत होना है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये है रोम रीड ओनली मेमोरी, इसमें केवल अपन रीड कर सकते हैं। तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं तो ये रोम के ही प्रकार हैं। जो पहला ऑप्शन दिया गया है EEPROM, इसका जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इसका जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, तो याद रखना है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका ये फुल फॉर्म हुआ। इसी प्रकार PROM का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसी प्रकार EEPROM का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसका आंसर तो डी होगा, लेकिन चारों के मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिए, याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायरस स्टैंड फॉर, वायरस क्या है, तो वायरस का जो फुल फॉर्म है वो आपको बताना है यहाँ पे, तो वायरस स्टैंड फॉर इसका जो आंसर है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, तो सी आंसर है, याद रखना है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज।
ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज लॉन्च्ड इन, तो जो पहला माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था, वो 1971 में किया गया था, याद रखना। और किसने किया था, इंटेल कंपनी ने किया था। और जो ये माइक्रो प्रोसेसर था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ये 4 बिट का था, 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए, तो इसका आंसर है बी, 1971। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस, तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो इंटरनेट कनेक्शन हम करते हैं, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्शन करते हैं, उनमें सबसे स्लो कौन सा है, सबसे धीमा कौन सा चलता है। तो केबल मॉडेम, ये तो तेज चलता है, लीज लाइन भी तेज चलता है, डायल अप सर्विस ये तेज नहीं चलता है। डायल अप का मतलब जो टेलीफोन का यूज़ करके डायल नंबर करके जो अपन कनेक्शन बनाते हैं, इंटरनेट कनेक्शन, उसे डायल अप सर्विस बोलते हैं। तो ये बहुत ही धीमा होता है, बहुत ही स्लो होता है, जिसका आंसर है सी, डायल अप सर्विस। और डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, ये काफ़ी तेज रहता है, डिजिटल जहाँ लग जाता है। एक चीज़ और बता दूँ, जहाँ डिजिटल, यदि आप कुछ डिजिटल फैसिलिटी ले रहे हैं तो वो काफ़ी तेज़ रहती है, काफ़ी अच्छी सर्विस रहती है उसकी। तो इस तरह ये मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हुए हैं। और इस वीडियो से आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम में। और अगला एक इसका पार्ट में 2 और बनाऊँगा। तो दोनों वीडियो का यदि आपने अच्छे से देखा हुआ है तो डेफिनेटली जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप सारे अटैम्प्ट कर लोगे। चलिए, ये तो ये था अपना, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट बचा हुआ है। व्हाट कंट्री हैज़ द फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन इन द वर्ल्ड, तो तुम्हें कंट्री का नाम बताना है जिसका इंटरनेट कनेक्शन सबसे ज़्यादा तेज चलता है, फास्टेस्ट है। तो उसका जो आंसर है डी है, याद रखना है, साउथ कोरिया। और सेकेंड नंबर पर स्वीडन, तो साउथ कोरिया याद रखिए, क्वेश्चन आएगा तो सीधा यही आएगा, साउथ कोरिया। और भारत की स्थिति तो बहुत ही बेकार है, यहाँ पर इंटरनेट जो कनेक्शन है बहुत ही गंदा है, और इसका जो नंबर होगा 150वां नंबर होगा समथिंग। तो ये इस तरह ही हमारा वीडियो ख़त्म होता है। और आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और धन्यवाद, थैंक यू।